नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मामुनी और एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं सुग्गी रिजॉर्ट और इस रिजॉर्ट के बारे में हमने बहुत ही देखा यूट्यूब में वीडियो बनते हुए, और लोग बताते हैं कि इस रिजॉर्ट में बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं और बजट फ्रेंडली है, किड्स फ्रेंडली है, और इंस्टाग्राम में भी हमने देखा बहुत सारे रील बनते हुए। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, पूरा दिन यहीं पे बिताएंगे और आपको भी पूरी जानकारी देंगे कैसा है क्या नहीं। और एंट्री करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्शन में जाके हमें एंट्री फॉर्म फिलअप करना रहता है और जिसमें पूरा डिटेल्स रहता है, और इसके बाद हमें कूपन्स दिया जाता है, पर हेड 10-10 कूपन्स मिलता है हमें। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम लोग एंट्री कर रहे हैं रिजॉर्ट के अंदर, और जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, चारों तरफ बहुत ही ग्रीनरी है। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगी, ये लॉकर लेने से पहले आपको एक आईडी कार्ड, गवर्नमेंट आईडी कार्ड वहाँ पे सबमिट करना रहता है, जो कि जाने के टाइम पे वो लोग रिटर्न कर देते हैं, तो वो हमेशा कैरी कीजिएगा। ये रिजॉर्ट बेंगलोर सिटी से 50 किलोमीटर डिस्टेंस में है और जगह का नाम है अनेकल। अनेकल एरिया में ये रिजॉर्ट पड़ता है और जो पहुँचने में आपको लगभग 1-1.5 घंटा लगता है। और ये है इस रिजॉर्ट का डाइनिंग एरिया, और पहुंचने के बाद ही आपको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए, टी टाइम के लिए भी यहाँ पे टाइम मेंशन की गई है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये रिजॉर्ट टोटल 17 एकर्स में फैला हुआ है और इस रिजॉर्ट में आने से आपको बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज करने को मिलती हैं। वैसे तो ज्यादातर कूपन्स में ऐड रहता है, लेकिन एक दो एक्टिविटीज ऐसे हैं जिसके लिए आपको पेड सर्विस लेना पड़ता है। और एडवेंचरस एक्टिविटीज में मेनली यहाँ पे आपको जिप लाइनिंग करने को मिलेगा, स्काई साइकिलिंग, वाटर जॉबिंग, बुल राइड, सब कुछ यहाँ पे है। जैसा कि हर एक रिजॉर्ट एक्टिविटीज में, जो एडवेंचरस एक्टिविटीज में रहता है, सभी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों पैकेजेस की जानकारी, जैसे कि डे आउट के लिए और फुल डे के लिए, 24 आवर्स के लिए, जो भी पैकेजेस की प्राइजेस हैं वो हम आपको वीडियो के अंत तक जानकारी देंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल्स में जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके बाद दोस्तों हमें एक चिकन देखने को मिला जो कि पैंट पहना हुआ था और उसका पैंट भी बहुत लूज ही था, और ये आर्यन को देखे इतना खुश हो रहा था देख के, और हमें भी बहुत ही मज़ा आया है देख के। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी पेट्स हैं सभी किड्स फ्रेंडली हैं, तो आप बच्चे को लेके जाके आराम से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पेट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ही किड्स फ्रेंडली है। और ये है दोस्तों बर्ड हाउस, जो कि पेड है, 100 रुपीज लगता है पर हेड, लेकिन मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पे अगर आप जाते हो तो ये वाला आप मिस मत करिएगा, हमारा 100% रिकमेंडेशन है, इतना अच्छा लगेगा आपको जाके, तो आप देखिए अभी। और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के पैरट्स हैं, जाने से ही आपको थोड़ा सीड्स वगैरह दिए जाते हैं, और जो हाथ में लेने से ही आपको जो भी पैरट्स हैं आपके ऊपर आके झपट पड़ते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत अजीब लगता है, लेकिन बाद में इतना अच्छा लगता है कि आने का मन ही नहीं करता है। और दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस है, इससे पहले कभी भी मैंने ऐसे बर्ड्स को हाथ में नहीं लिया था, तो आप लोगों तो नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए लाइफ टाइम मेमोरी है, और आर्यन के लिए भी, उसको भी बहुत ही अच्छा लगा, ये पहली बार उसने टच किया किसी बर्ड को, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और ये वाला लिजर्ड देखिए दोस्तों, कितना बड़ा है और बहुत भारी भी था। मैंने तो लिया ही नहीं हाथ में, क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने लिया। और लेकिन इसकी तरह और भी बहुत सारे वैरायटीज के लिजर्ड यहाँ पे थे, छोटे छोटे भी थे,
और ये है कॉरिक जिसको मैंने लिया था गोदी में, कितना क्यूट लग रहा है। और जैसे कि देख सकते हैं आर्यन भी ले रहा है लिजर्ड को, क्योंकि यहाँ पे सभी जो एनिमल्स हैं सभी ट्रेंड है तो कोई हार्म नहीं है, बच्चे भी ले सकते हैं। और ये वाले जो बड़े ब्रीड्स के जो पैरट्स थे ना, देखने में तो बहुत ही क्यूट थे लेकिन हेवी भी थे, लेने से पता चलता है। स्टेइंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हो छोटा वाला कॉटेजेस, तो यहाँ पे 24 आवर के लिए 2000 रुपीस आपको पे करना पड़ता है, और जिसमें खाना, तीनों टाइम का खाना और जो एक्टिविटीज है सभी यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है, कोई चार्जेस नहीं, और जो कि वैल्यू फॉर मनी भी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोप एक्टिविटीज के लिए, इस जो रिजॉर्ट में है ना बहुत सारे रोप एक्टिविटीज अवेलेबल हैं, तो उसी के लिए अभी जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने है ना ये वाला एक्टिविटी ट्राई करने की कोशिश की थी जो कि मुझसे नहीं हो पाया, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और आप लोग में से किसने ये एक्टिविटीज़ किया होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमें। और ये देखिए और एक डेंजरस राइड। और मेरे से तो ये पहले वाला राइड नहीं हो पाया था, इसीलिए अभी मेरे हस्बैंड चल रहे हैं, और लेकिन वो भी देखते हैं कितने देर में कंप्लीट कर पाते हैं। और अभी लंच टाइम हो चुका है, तो इसलिए अभी हम लोग सब पहुंच चुके हैं डाइनिंग एरिया में, और जहाँ पे बुफे था, अनलिमिटेड खाना था, जितना चाहे आप ले सकते हो, कोई भी बोलने वाला नहीं है। तो मेन्यू में आज क्या क्या है आपको दिखाते हैं, चलिए। और यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। और नॉन वेज में आज था यहाँ पे स्टार्टर्स में चिकन सूप और पेपर चिकन, जो कि देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। और मेन कोर्स में था आज चिकन बिरयानी। टोटल आइटम्स 30 प्लस के ऊपर आइटम्स थे आज। और अभी टेस्ट की बारी है, तो चलिए देखते हैं टेस्ट करके कैसा है आज का खाना।
खाने में क्या है? खाने में गुर्दा कीमा कुरमा कलीजी पाया चाप चोगरो बिरयानी बुना कुछ मचकड़ी बदकड़ी मटर वटर चा चापनो चिकरो उसलपा मिसलपा भजापा बनरा इडली वाला सांभर दही बस बस। क्या भिखारियों की होटल है। एक काम, दो दो प्लेट सब लेकर आ और चार मुर्गी ला। क्यों, तेरे बाप का खाता हूं क्या बे? और स्टार्टर्स खत्म करने के बाद मैंने मेन कोर्स लिया जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो समझ में नहीं आ रहा। और लास्ट में डेजर्ट में था गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम और उसी के साथ हमारा आज का ये टेस्टी लंच पूरा हुआ। लंच खत्म होने के बाद हम लोग गए जिप लाइनिंग के लिए। तो आयरियन जो कि बहुत ही एक्साइटेड था तो वो सोचा कि वो चढ़ेगा पहले। मेरा तो डर के मारे हालत ही खराब थी, लेकिन वो लोग भी बता रहे थे कि बच्चे भी चढ़ते हैं, बहुत सेफ्टी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में उसको भी बहुत डर लगा तो वो नहीं चढ़ पाया, तो फिर मेरे हस्बैंड गए पहले। जिप लाइनिंग के लिए जो टोटल डिस्टेंस है लगभग दूरी पर ही था, तो फिर मैंने भी लास्ट में ट्राई करने की कोशिश की और जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस रिजॉर्ट में सबसे अच्छा मुझे यही राइड लगा। और ये है एटीवी बाइक राइड जो मैं बता रही थी, एक दो राइड के लिए चार्जेस देना पड़ता है, उसमें से ये वाला एक है। तो इसमें अगर जाते हो तो 100 रुपीज पे करना पड़ता है। हमें उतना टाइम नहीं हो रहा था तो इसलिए हम ये एक्टिविटी नहीं कर पाए। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल जो कि 3 बजे के बाद खुलता है और पास ही में रेन डांस भी होता है, तो चलिए देखते हैं। और स्विमिंग पूल में दोस्तों आर्यन ने जबरदस्त एंजॉय किया। और ये जो सुगी रिजॉर्ट है, एक्चुअली ये फैमिली डे आउट के लिए, ऑफिस डे आउट के लिए बहुत ही एक आइडियल प्लेस है। कभी भी अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो, बहुत ही अच्छा प्लेस है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ बहुत ही बजट फ्रेंडली है, किड्स फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छी जगह है। और डे आउट के लिए दोस्तों हमें पर हेड 1200 रुपये के लगभग पड़ा था। और आर्यन के लिए टिकट नहीं था, जो कि 5 साल नीचे से बच्चा है तो उसके लिए टिकट प्राइस फ्री है, 5 साल से ऊपर होने से चार्जेस लगते हैं। और यहाँ पे दोस्तों रेन डांस हो रही थी तो हम लोग तो दो ही आए थे, अगर ग्रुप में आते तो यहाँ पे डांस करने में और भी इंटरेस्ट लगता। और हम लोग तो एक ही फैमिली आए थे, अगर ग्रुप में आते तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल थे, ग्रुप में आने से बता रहे थे यहाँ पे डिस्काउंट्स मिलता है। और जैसा कि दोस्तों ये टोटल एरिया 17 एकर्स में फैला हुआ है, तो यहाँ पे आने से आपको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। और ये था इमू, और जो कि आर्यन देख के बहुत ही खुश हो गया था। जो लोग यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं उनके लिए कैंप फायरिंग की फैसिलिटी भी है, आपको यहाँ पे कैंप फायर करने को मिलेगा रात में। और सारे एक्टिविटीज जैसे कि आर्चरी, शूटिंग्स, सब भी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। क्या गुंडा बनेगा रे तू?
और ये है बुल राइड। और जैसा कि मैं देखते आ रही थी लोग चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, मैंने भी बहुत बार देखा तो मैंने भी ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन जितना इजी लगता है ना देखने में बहुत ही टफ है। मैंने 5 बार कोशिश की, 5 बार इसने मुझे फेंक दिया। बुल राइड के साथ ही में है वाटर जोबिंग, जिसको मैंने और आर्यन ने ट्राई किया था, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा हमें। आर्यन तो उतरना ही नहीं चाह रहा था इसमें से, बहुत ही अच्छा था ये राइड। और लास्ट में आर्यन के पापा ने भी ट्राई किया था बुल राइड, और बहुत कोशिश करने के बाद 2 मिनट तक खड़े रहे, लेकिन बाद में उनको भी फेंक दिया। तो ये राइड जैसे इजी लगता है ना देखने में, उतना इजी है नहीं। फिर हम लोग आए स्काई साइकिलिंग करने के लिए, जो मुझसे तो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ही ऊंचाई था, तो ऊंचाई से थोड़ा बहुत डर भी लगता है मुझे। और फिर मेरे हस्बैंड ही गए ये राइड करने के लिए, लेकिन ये राइड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एडवेंचरस है। जो लोग साइकिलिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर आके ये राइड ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे रोप एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, और हम लोग जो कि गए थे 11 बजे के आसपास, तो हमसे सब कुछ कवर करना नहीं हो पाया। तो अगर आप जाते हो तो कोशिश कीजिएगा 10 बजे के अंदर जाने के लिए, तभी जाके आप ये सारे राइड्स कंप्लीट कर पाएंगे। Later. और फिर हम लोग आए इवनिंग स्नैक्स के लिए, और स्नैक्स में आज था ऑनियन भज्जी और आलू बंडा, कॉफी थी, साथ में लेमन टी भी था। और चाय पीते पीते मैं पार्क में घूम रही थी, और जहाँ पे मुझे थोड़े बुजुर्ग आदमी दिखे और उनसे मैं बैठ के थोड़ा चाय पे चर्चा करने लगी, और ये पूछने थी कि कैसे अपना खुद का एक रिजॉर्ट बना सकते हैं, तो इसी बारे में उनसे थोड़ा एडवाइस ले रही थी, और साथ में आर्यन भी बात कर रहा था उनसे। और अभी हमारे चेकआउट का टाइम आ गया, तो इसीलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज हमने पूरा दिन यहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया, और आप लोगों को भी बताना चाहेंगे, कभी टाइम मिले तो ज़रूर आके एक दिन बिता के जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है।